just moves. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो बना रही हूँ रेसिपी वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का पराठा रोल, जिसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था, फुल ब्रेस्ट पीस मैंने लिया था। और उसके लिए मैंने पराठे लिए थे बाज़ार के, आप घर में भी बना सकते हैं। एक शिमला मिर्च ली थी, एक गाजर ली थी और पिकल लिया था अचार मैंने मिर्च का। और ये सब चीज़ें मैंने लेकर और मैंने बड़े मज़े के पराठा रोल बनाए थे। सबसे पहले मैंने लहसुन डालकर ऑयल में थोड़े से, और मैंने चिकन को अच्छी तरह से मैंने भुना था, स्पाइसेस डाल के मसाले डाले थे, मसाले शामिल किए थे। और ये लहसुन को मैंने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मैंने भून लिया, फ्राई किया थोड़ा सा, एक दो मिनट के लिए। इसमें मैंने चिकन शामिल कर लिया। चिकन मैंने ये देखें छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए थे, मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और इसको मैंने लो फ्लेम पे अच्छी तरह से एक दो तीन मिनट के लिए फ्राई करके, इसके बाद इसमें मैंने मसाले डाले थे। नमक डाला था आधी टीस्पून मैंने डाली नमक की, और सूखा धनिया आधा टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर आधा टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिए। और इसको मैंने फ्राई किया था अच्छी तरह से, मैं भुना था इसको, और फिर मैंने इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया था कि ये अच्छी तरह से बन जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको, ये सूखा धनिया है एक टीस्पून मैंने शामिल किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिए। अब मैंने इसको लो हीट पर मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया, मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिए। और इसको मैंने लो हीट पर एक 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बहुत मज़े का इसका टेस्ट बना था, और इसने अपना पानी छोड़ के चिकन ने, चिकन पीसीस ने, और फिर खुद ही रोस्ट हो गया था, फ्राई हो गया था। और इसको साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि कैसे मैंने इसको फिर और चीज़ें शामिल की थी। ये मैंने हॉट चिली सॉस शामिल किया, आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है चिकन का। साथ ही मैंने सोया सॉस एक टेबल स्पून ऐड कर ली, और फिर इसको मैंने लो हीट पे अच्छी तरह से भून के, और इसको मैंने छोड़ दिया था कवर करके कि जब तक चिकन अपना पानी छोड़ दे। और ये इसमें मैंने एक कोयला रख दिया कि इसकी स्मेल चिकन में चली जाए और टिक्के की स्मेल हो जाए। इसमें मैंने ऑयल डालकर इसको मैंने छोड़ दिया था। ये देख सकते हैं आप, इसकी बड़ी अच्छी सी स्मेल हो गई थी, बिल्कुल बारबेक्यू चिकन टिक्का बन गया था, उसकी स्मेल हो गई थी। अब जो वेजीज़ हैं, इसमें शिमला मिर्च मैंने ली थी, इसको मैंने इस तरह देखे काट ली थी पतली पतली, साथ मैंने गाजरों को भी काट लिया था। और इनको मैं फ्राई करूँगी लो हीट पे थोड़े से स्पाइसेस शामिल करके। एक गाजर थी, इसको भी मैंने इस तरह पतला पतला काटा था। और आपने इनको थोड़े से ऑयल में मसाले ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने ये मसाले ऐड किए थे, नमक मिर्च सूखा धनिया, ये मैंने ऐड करके इनको एक दो मिनट तक फ्राई किया था लो हीट पर। फिर मैंने जो वेजिस थी ये शामिल करके और इनको मैंने फ्राई किया लो हीट पर एक दो तीन मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि इसकी क्रंचनेस थोड़ी सी आनी चाहिए मुंह में। और सोया सॉस एक टीस्पून मैंने ऐड किया, और हॉट चिली सॉस भी मैंने एक टीस्पून ऐड करके इसको मैंने दो तीन मिनट के लिए स्टिर फ्राई किया था। इसको ज़्यादा मैंने पकाया नहीं था। अब ये जो धनिया था, इसकी मैंने चटनी बनानी है। धनिया लिया था मैंने थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया था, हरी मिर्च ली थी, इनको मैंने अच्छी तरह से ग्रीन चटनी इनकी बना ली। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह कैसे चटनी बनाई थी।
और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी मेरे पराठा रोल बने थे। ये रमज़ान में भी आप बना सकते हैं, रोज़ों में इफ्तारी के टाइम पर, और अपने बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। इनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डालकर, कि ये हमारी बहुत अच्छी स्मूथ चटनी बन जाए। और नमक थोड़ा सा मैंने शामिल किया था इसमें, और अगर आप कोई मसाले शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। मैंने स्किप कर दिए थे क्योंकि मैंने जो मसाला डाला था, ऐड किया था चिकन में, वो बहुत ज़्यादा था। मायोनीज़ में भी मसाला मैं ऐड करूँगी, और ये थोड़ा सा पानी मैंने शामिल करके चटनी मैंने ग्राइंड कर ली। आप इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ग्रीन चटनी रहने दी थी, इसे मैंने दही शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये इस तरह बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और अब ये देखें, ये पराठे मैंने पैकेट से निकाल लिए थे। आप अपने घर में भी रोटी बना सकते हैं, पेड़े पेड़े लेकर आटा गूंद के। मैंने रेडीमेड ले लिए थे, और ये हमने जल्दी बनाने थे पराठा रोल, इसलिए मैंने रेडीमेड ही पराठे ले लिए थे बाज़ार के। और मैंने इनको लो हीट पे 1-2 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके, और फिर मैंने इनको पराठा रोल बनाया था। जो सारी प्रोसेस है आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि कैसे मैंने ये ऐड की थी सब चीज़ें। ये मैंने थोड़ा सा मायोनीज लिया था 2 टेबल स्पून, इसमें मैंने काली मिर्चें और नमक ऐड करके इनको मैंने मिक्स कर लिया था। ये फिर मैं फिलिंग जब करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे फिलिंग की थी। इनको मैंने मिक्स कर लिया, मिक्स करके मैंने एक साइड पर इनको रख दिया था। इतनी देर में हमारा चिकन भी रेडी हो गया था, और ये पराठे भी हमारे अच्छी तरह से रेडी हो गए थे। पराठों को मैंने साथ साथ 2-2 मिनट के लिए, सब पराठों को मैंने 4 बनाने थे रोल, पराठा रोल 4 अदद बनाने थे। ये जो मिर्ची थी, पिकल था, अचार जो था मिर्चों का, आप कोई भी अचार यूज़ कर सकते हैं, गाजरों का अचार भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू का भी। मैंने ये मिर्चों का अचार यूज़ किया था। और इसमें मैंने ये देखें, पहले मैंने पत्ता नहीं रखा था, बाद में मैंने रखा था, वो वीडियो मुझसे बाद में स्किप हो गई थी। मैंने पहले पराठे के ऊपर मायोनीज और चटनी लगाई थी, उसके बाद मैंने ये सैलेड का पत्ता लीफ और उसके ऊपर मैंने ये सब कुछ ऐड किया था। चिकन मैंने रख दिया, चिकन बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना था। फिर मैंने ये मिर्चें रख दी, जो पिकल था हमारा, अचार था, वो मैंने ऐड कर लिया इसके ऊपर। और साथ ही मैंने जो वेजिटेबल था, गाजरें और शिमला मिर्च, वो इसके ऊपर लगा दिया, रख दिया था। पहले मैंने चटनी लगाई, देखें, सब्ज़ चटनी है, ग्रीन चटनी, ये मैंने इसके ऊपर लगा दी। और इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पराठा रोल बनेगा। ये वेजेस जो मैंने फ्राई किए थे 2-3 मिनट के लिए, ये आप उसके ऊपर ऐड कर लें, इसके ऊपर रख दें। और फिर साथ ही आपने और चीज़ें भी डालनी है, मायोनीज भी शामिल करना है, और बहुत ही अच्छी रमज़ान की ये हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। और मैं अफ्तारी में ज़रूर बनाऊंगी दोबारा भी एक दफ़ा। और ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा पराठा रोल बना था। और पराठों के लिए आप घर में आटा गूंद के और रोटियां भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और जो न्यू कमर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये स्टार्ट में देखिए, मैंने इस तरह मोयनीस पहले रोटी पे लगाया था, उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी लगाई थी, उसके बाद मैंने सलाद का पत्ता रखा था। वो वीडियो जो थी आगे पीछे हो गई थी, इसलिए मैंने कहा चले मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि मैंने इस तरह ये लगाया था, ये चटनी, और उसके बाद ये मैंने पूरा रख कर इसके ऊपर, और इस तरह मैंने बंद करके। और आपके पास अगर टूथपिक हो, कोई भी आपके पास वो जो होती हैं स्टिक्स, वो आप उसमें कर दें, लगा दें कि ये हमारा पराठा रोल खुले ना और ये इस तरह बंद रहे। और फिर आप अपने मेहमानों को सर्व कीजिए और ख़ुद खाइए, देखें कितने मज़े के, कितने प्यारे, कितने मज़ेदार हमारे पराठा रोल रेडी हो गए हैं। और मेरी मेरी